राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। गोष्ठी में मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजन पांडेन, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, संयुक्त कृषि निदेशक एवं प्रगतिशील कृषकों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कृषकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। गोष्ठी में कृषि के अतिरिक्त उद्यान, ग्राम विकास, पशुपालन व मत्स्य आदि विभागों की योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने किसानों की केसीसी के लोन पर मिलने वाली प्रतिपूर्ति तथा कृषि विभाग में खाली पदों एवं किसानों के अनुदान में आ रही कठिनाइयों को उठाते हुए उनके निराकरण पर बल दिया। गोष्ठी में जिलाधिकारी के विजन पांडेय ने बाढ़ के कारण फसलों की कम पैदावार के दृष्टिगत जल भराव वाले क्षेत्रों में उन्नत बीज को किसानों को देने एवं तरकुलानी रेगुलेटर का काम शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया। गोष्ठी में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कृषकों के लिए ऐच्छिक भी कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड धारक कृषकों को अब अपने बैंक को लिखित रूप से अवगत कराना होगा कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं। इसके अलावा किसानों को खाद बीज सहित कृषि संबंधित अन्य जानकारियां भी दी गईं। दूसरा जो आपने एक गोदामों की कमी की बात कही, गोदाम हर समय चाहिए क्षेत्र में। हम लोगों ने आज के बारे में कृषि मार्केट में जैसे गोदाम है जो हमारे बफर गोदाम हुआ करते थे, बड़े बड़े गोदाम है जिनमें पहले खाद रखा जाता था। यही देखते कि आज की गोदामों की काफी कमी है, तो सबसे अपने अपूर्ण कराए हर एक में जो हमारे बफर गोदाम थे खाली पड़े थे, या तो हम लोगों ने बीजों को एक जगह दिए है और नहीं तो खाली पड़े थे थोड़े दिन के लिए, उसमें कभी कभी कुछ हिस्से में थोड़ा बहुत बीज में चले थे, तो उनको सबको 25-25 लाख रुपए मिनिमम दे के उनकी मरम्मत करा रहे हैं। तो ये गोदाम, ये ऐसी इमरजेंसी में जब भी जरूरत होगी तो कृषि बाकी गोदाम भी आप लेंगे। बाकी और बिजली के बने जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है, हम एसडब्ल्यूसी को जो डिमांड होती है हमारे पास नहीं होते, तो गोदामों का उपयोग हम कर रहे हैं और इस पर पैसा दिया जा रहा है। शासन स्तर पर भी काफी गंभीरता से विचार किया जा रहा है गोदामों की स्थिति सुधारने के लिए। हम गोदाम से बार बार प्रयास करते हैं, सम्मान है सर, वाटर को रेजिस्ट कर बार बार बाढ़ में क्या बचा नहीं सकते हैं, 14-15 दिन तक सम्मान को रेजिस्ट करके उसके बाद नहीं जीने ऐसे है जो सिद्धार्थ ने किया। बाढ़ इलाके में क्या लोगों के लिए कहा कर रहे लोग रिक्वेस्ट की गई है, खाना सम्मान ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर लॉकर की प्रॉब्लम है लोग वहाँ पे वो लगाते हैं कहीं पर जाए तीनों के लिए खुला जाए इसमें। और अब हम लिख सकते हैं सर इसमें जो है मक्के की फसल पैर भर होने के कारण इसमें जो यहाँ पे सीजन और फैसल वगैरह की मांग जो है रही है ये काफी रहती है और उसका अनुमान जो है पूरा जीवन रहता है किसानों को, तो इसको जो है एरिया इसका बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसके अंदर लाभान्वित किया जाए। हमारे यहाँ की है की तब तक आपको फिर यहाँ भ्रमण ले जा रहा है हमारे यहाँ 300 रुपए है तो वहाँ 11-12 रुपए होता है पट्टी पुल्ली आपका यूरिया जो है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा नेपाल बॉर्डर से जो यूरिया की स्मगलिंग होती है जाता है, कृपया उसे थोड़ा सा जरूर ध्यान दें अधिकारियों को लगा के उसे कम से कम वहाँ किसी तरह ना जाने पाए, इस पर इसका ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से आपके यहाँ टारगेट पड़े जाते हैं, कोशिश की जाएगी।